को भी चाहिए एक्सरसाइज, वैसे ही बॉडी पार्ट्स को भी चाहिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस इन द फूड चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। खाना खाने में जो हमारे ज़रूरी होता है उसको हम अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो जो प्रोसेस बनता है उसको बोलेंगे डाइजेशन। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो ज़रूरी ज़रूरी विटामिन्स प्रोटीन्स जो होता है उसको फिर सिंपल कैसे बनाना है, वो प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन। द सिंपल सब्सटेंसेस आर देन अब्सॉर्ब्ड इनटू द वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। फिर क्या होता है, वो जो सिंपल सब्सटेंस बनते हैं वो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, सॉरी ब्लड में जो पानी होता है उसके द्वारा वो अब्सॉर्ब्ड होता है। द ब्लड टेक्स देम टू ऑल द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। हमको पता है हमारी बॉडी पूरी सेल्स की बनी है, अब जो वो जरूरी खाने के प्रोटीन्स विटामिन्स जो है वो पानी के द्वारा अब्सॉर्ब होता है, उसको ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के सेल्स को पहुंचाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। डाइजेशन जो है फूड की वो थोड़ी स्लो प्रोसेस है और वो स्टेप वाइज अपना काम है वो करती है। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी वर्क टूगेदर टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। हमारे बॉडी के थोड़े से ऑर्गन्स जो है वो मिल के काम करते हैं हमने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, All the organs that work to digest food form the digestive system. अब जो जो भी है organ वो digestive में help करता है, वो मिलके बनाते हैं digestive system. The mouth, food pipe, stomach, liver, pancreas, small intestines and large intestine are organs of the human digestive system. ये सारे आपको जो दिए हैं organs वो हमारे digestive system के part है. Process of digestion. The process of digestion start in the mouth. Obvious बात है, हम मुंह से खाना खाते तो वहीं से start होता है. Here food is broken down by chewing. मुंह से हम क्या करते हैं, चबाते हैं, तो food के वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे cut होते हैं. This chewed food mixes with saliva which help in digestion. Saliva मतलब थूक. हम जो खाना खाते हैं, जो चबाते हैं, वो जो मिक्सचर बनता है वो हमारे थूक के साथ मिक्स होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अहम पार्ट है। थूक जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सलीवा इज़ अ वॉटरी टेस्टलेस लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ, इट इज़ अ डाइजेस्टिव जूस। अब सलीवा मतलब थूक क्या है, कुछ भी नहीं है, एक पानी जैसा जिसका कोई टेस्ट नहीं है वैसा लिक्विड है जो हमारे मुँह में ऑलरेडी होता है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। अब देखो आपको पूरा ये डायग्राम दिया है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड पाइप और द एसोफेगस। फूड पाइप मैंने आपको पहले ही बोला, मुंह से लेके जो पेट तक खाना पहुंचाता है वो बीच में जो कनेक्टिंग नली है उसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पासिस फ्रॉम द माउथ थ्रू दिस लॉन्ग ट्यूब एंड रीच इज द स्टोमक। नाउ लीवर, इट प्रोड्यूस जूस दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर क्या करता है, हमारे डाइजेशन के लिए जो ज़रूरी है वो इम्पोर्टेंट जूस बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब अतड़िया, हमारी जो अतड़िया होती है वो छोटी और बड़ी दो प्रकार की होती है। फूड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन पासिस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी में से छोटी इंटेस्टाइन में वो पास होता है। हियर ऑल द यूजफुल पार्ट्स आर मूव्ड इनटू द ब्लड एंड ब्लड टेक्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो जो भी यूजफुल होता है वो सारा ब्लड में यहीं पे आके मिलता है और यहीं से ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाता है। स्टोमक, इट इज अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन। अब स्टोमक एक अंदर का आपका ऐसा पार्ट है जहाँ पे पूरा जो है खाना आपका टूटा हुआ पहुंचता है, मतलब टुकड़ों में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इट होल्ड्स द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स फेसेस। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना, जो वेस्टेज होता है उसमें से पानी खींच के वो खाना वहीं पे अपने पास ही रखता है ताकि आगे जाके वो कुछ प्रॉब्लम ना कर सके। एनस,
फेसेस इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब जो वेस्टेज होता है वो हमारी बॉडी के बाहर जाता है जो पार्ट से, उसको बोलते हैं एनस। हम जो पानी निकालते हैं उसको यूरिन बोलते हैं। वैसे ही खाने में जो वेस्टेज होता है वो होता है एनस के द्वारा बाहर निकलता है शरीर में से। हाउ लॉन्ग इज द डाइजेस्टिव पाथ, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पूरा डाइजेस्टिव पाथ मतलब रास्ता है जो मुंह से लेकर एनस तक का है। मैंने आपको पहले ही बोला, देखो ऊपर माउथ से स्टार्ट हुआ खाना खाने की प्रोसेस, एनस तक गया। द डाइजेस्टिव पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड विद द लार्ज इंटेंस टाइम। माउथ है वो 8 सेंटीमीटर है, स्टोमक 15 सेंटीमीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 1 मिनट एंड 20 सेंटीमीटर, फूड पाइप 25 सेंटीमीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपकी जानकारी के लिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट, अब अगर खाना खाना है हमें, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है, तो हेल्दी ईटिंग की हैबिट डालनी ही होगी। उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ईट 4 or 5 स्मॉल मील्स एवरी डे, एक साथ बैठ के ज़्यादा खाना नहीं खाना है, दिन में 4-5 बारी थोड़ा थोड़ा कम कम करके पूरे दिन का खाना खाना है। च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट स्वेलो इट होल, पूरा एक साथ मुंह में नहीं डाल देना है, उसको धीरे धीरे अच्छे से चबाना है। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, फ्रूट और वेजिटेबल्स एवरी डे खाने चाहिए। दिस विल प्रोवाइड योर बॉडी विथ मिनरल्स विटामिन्स एज वेल एज रफेज। ये आपको क्या करता है, पूरे मिनरल्स देता है, विटामिंस देता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील्स, रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद और पहले हाथ को भी अच्छे से धोना है और माउथ को भी धोना है। ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड डाइट, हमेशा बैलेंस्ड डाइट ही खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट एज योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, जितनी भूख लगी है उतना ही खाना खाना है, खाना पसंद है इसलिए खाते ही जाना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती एक्स्ट्रा खाने को। हैव क्लीन फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड एज इट विल कीप यू हेल्दी, हमेशा साफ सुथरा फ्रेश और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना है। एंश्योर दैट द यूटिलाइजेस यूजेस टू कुक एंड ईट फूड आर वॉश्ड एंड ड्राइड प्रॉपरली। यूटेंसिल्स मतलब है बर्तन। आप श्योर हो जाए कि जिसमें आप खाना पका रहे हो और खा रहे हो वो अच्छे से धुला हुआ और सूखा हुआ होना चाहिए। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, इतने छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रोस्कोप के अलावा हमें नहीं दिखाई देते, हमारे वो मैग्निफिशेंट ग्लास में भी नहीं दिखाई देते। Sometimes when many microbes grow in a place, we can see their colony without a microscope. जब बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं तब वो पूरे कॉलोनी, मतलब बहुत से घर है तो एक हम उसको एक कॉलोनी बोलते हैं, वैसे ही बहुत से microbes इकट्ठा होते हैं तब हम उसको without microscope देख सकते हैं। Microbes can be useful and harmful. अब ये जो बैक्टीरिया का पूरा है झुंड बना है वो आपको यूजफुल भी होगा और हार्मफुल भी होगा। हार्मफुल माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स, अब ये जो हार्मफुल मतलब जो हमें नुकसान दे रहा है, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे रोग फैलाता है उसको हम जर्म्स बोलते हैं। सम माइक्रोब्स आर हावेवर यूजफुल, कोई कोई वे है वो हमारे काम के भी होते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह पे होते हैं, हम बैठे हैं तो भी हमारी बॉडी में है, हम चलते हैं तो भी हमारी बॉडी के ऊपर है, आसपास है, हर एक जगह पे है, हर एक चीज़ों के ऊपर है। दे ग्रो रैपिडली वेन एवर दे गेट वॉर्म्थ मॉइस्चर फूड एंड एयर, वो इतने हिसाब से बढ़ते हैं जब जब उन्हें गर्मी मिलती है, कोई भेज वाले एटमोसफियर मिलता है, कुछ खाना मिलता है या हवा मिलती है। They may grow in soil, in water, inside or outside our body and the bodies of animal. वो कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं, मैंने आपको बताया हर जगह पे होते हैं, जमीन में होते हैं, पानी में होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में भी होते हैं। Our mouth and blood provide favorable condition for some of them to grow. हमारे माउथ और हमारा ब्लड जो है वो उनको अच्छी कंडीशन देता है बढ़ने के लिए। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, अब माइक्रोब्स के अलग अलग प्रकार है वो हम देखेंगे।
Microbes are of four main kinds. Bacteria, they are one called microorganism. Organism मतलब एक उसको पूरे जो चला रहे हैं उसको बोलेंगे organism. अब bacteria जो है वो one celled microorganism है. वो एक ही तरह के cells के बने हैं. नीचे आपको देखो bacteria first है, वो drawing में भी दिया है. They may be rod shaped, spiral or round. उनके अलग अलग शेप होते हैं, वो कोई रोड जैसा होता है, स्पाइरल जैसा होता है या राउंड शेप में भी होता है. दे कॉज डिजीज लाइक थाइपोइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड फिनोमोनिया. इस तरह के वो डिजीज भी फैला सकता है. अब है वायरस, वायरसेस. हम जानते हैं अभी कौन सा वायरस है, कोविड 19 वायरस चल ही रहा है जो हवा से फैल रहा है. दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप. अभी जो कोविड 19 के जो बैक्टीरिया है वो हमें दिख नहीं रहे, जो वायरस है वो हम नहीं देख पा रहे. क्यों? क्योंकि वो पावरफुल माइक्रोस्कोप्स में ही दिखते हैं, वो हमारी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है. दे कॉज डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, फ्लू, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड. वो कैन इस तरह के डिजीज भी फैला सकता है. देखिए नीचे आपको वायरसेस दिया है. देन है प्रोटोजोआ. They are the smallest and simplest of one-celled microbes. एक ही तरह के होते पर बहुत ही छोटे होते हैं. Malaria and the dysentery are caused by protozoa. देखो आपको ऊपर protozoa दिया है, वो एक ही तरह के शेप में है. अब है fungi. They are plants which grow on decaying matter and cause disease like ringworm. अब fungus से क्या होता है, वो एक ही तरह के होते हैं, जो कुछ चीज अगर सड़ जाती है, गंदी होती है, वहीं पे वो होता है. और रिंगवॉर्म मतलब छोटी छोटी फंगस के जैसा वो बना देता है. देखो ऊपर दिया है आपको. यूजेस ऑफ माइक्रोब्स. अब आपको आगे आया था कि माइक्रोब्स जो है वो कभी कभी यूजफुल भी होते हैं. तो क्या यूज है उसका, हम यहाँ पे देखेंगे. सम माइक्रोब्स आर यूज टू मेक आइसक्रीम, टूथपेस्ट, ग्लू, डिटर्जेंट एंड मेडिसिन. देखिए कौन कौन सी चीज में वो काम आते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स, मतलब कीटाणु और कुछ भी नहीं जो हम देख नहीं सकते. आइसक्रीम बनाने में, टूथपेस्ट में, ग्लू में, डिटर्जेंट में और कोई कोई दवाइयां भी उनसे बनती है. माइक्रोब्स हेल्प टू क्लीन द एनवायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज है उसको भी डिकम्पोज में हेल्प करता है ताकि एनवायरमेंट अच्छे से बना रहे. Some microbes like oil eating microbes help to clean the oil spill of the oceans. अब oceans के अंदर जो extra oil पड़ा है वो oil eating microbes होते हैं, वो उसको eat करते हैं तो वो भी clean हो जाता है. Yeast is the useful to make bread. हम जो bread खाते हैं वो yeast से बनी होती है. Yeast एक microbes है और कुछ नहीं है. Certain mushrooms are edible. Mushrooms का भी नाम आपने सुना होगा. मशरूम मतलब कुछ नहीं है, बिलाड़ी का टॉप हम बोलते हैं. इस देखो फंगी का जैसे शेप है वैसे शेप्स के ही मशरूम्स होते हैं. बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. हम जानते हैं कि रात को आपकी मम्मी जो है वो मिल्क में क्या करती है, थोड़ी सी बटर मिल्क डालती है या कर्ड डालती है, तो आपको सुबह उसमें से कर्ड मिलता है. तो वो बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से ही होता है. और बैक्टीरिया जो है वो वन टाइप ऑफ माइक्रोब्स ही है. Some bacteria help to digest roughage in animals, for example, in cows. कोई कोई bacteria क्या है? Cow जैसे animal में roughage मतलब जो wastage चला गया है उसको digest करने में भी help करते हैं. Now glossary. ये सारी glossary आ चुकी है. यहाँ पे as a glossary हम इसको refer करेंगे. Crown. The upper part of the tooth that is visible. जो दिखाई देता है वो crown है. अब है root. Part of the tooth inside the gums. Gums के अंदर क्या part? Incisors. Teeth that help in cutting and biting the food. Canines. Teeth that are used for tearing the food. Premolars. Teeth that help in cracking and chewing the food. Molars. Teeth that help in chewing and grinding the food. Plank. A yellow sticky layer of germs that form on the teeth. Digestion. The process of changing food into a simple form that can be used by the body. Microbes, small living things that can be seen only with the help of the microscope. अब ये ग्लोसरी जो है वो छोटी छोटी ग्लोसरी तो आपको याद करनी है. अब यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म होता है. ये आप चैप्टर आप समझिएगा और इसको रिफर कीजिएगा. और रीडिंग मस्ट है, रीडिंग नेसेसरी है. प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर, रीड इट,
again and again. Okay, have a nice day. Thank you.